अली जी का ले लेते हैं। कह रहे हैं, हेलो विपुल जी, आज मेरी फेवरेट आस्था मैम आई हैं। मैम, जीएमआर एयरपोर्ट इंफ्रा पर व्यू दे दीजिए, 101 की बाइंग है। तो मैम, लोग आपकी आप ये आपको अपना बड़ा प्रशंसक मानते हैं और ये आपके बड़े फैन हैं और ये आपसे ही सवाल पूछना चाह रहे हैं। अब जीएमआर पे सवाल इनका है, 101 पे लिया और वही लेवल है मैम जहाँ पे शेयर जाके फंस जाता है। 100 रुपये क्रॉस नहीं कर रहा है, नीचे भी कोई ऐसा नहीं है कि बुरी तरीके से सारे स्टॉप लॉस तोड़ दिए हों, तो दायरे में फंसा हुआ है। कब तोड़ेगा ये 100 रुपये? परेशान करके रखा हुआ है, जिनके पास है वो भी लोग थक रहे हैं। क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए, मेरे हिसाब से ये अभी बहुत दायरे में घूमा हुआ है। कुछ एक ट्रिगर चाहिए होता है स्टॉक को, तो ट्रिगर अभी मुझे तो रिजल्ट्स ही लगते हैं, जो कि सेकंड क्वार्टर के हम मान रहे हैं, 30 सितंबर वाला जो क्वार्टर है उसके आने लगेंगे, अक्टूबर फर्स्ट वीक ऑनवर्ड्स। तो वहां तक थोड़ा सा वेट करिए, वहां तक पेशेंटली होल्ड करिए। लेकिन एक चीज अच्छी है इसके चार्ट में कि अब ये कोशिश कर रहा है ऊपर जाने की। पहले जी काफी टूटा, लेकिन अब ये दिखा रहा है थोड़ा रिबाउंड होने का संकेत दे रहा है। तो होल्ड करना है इसी उम्मीद के साथ कि अगर ये 85 का लेवल नहीं तोड़ेगा तो बहुत बढ़िया तेजी में ये आगे दिखाएगा। बने रहिए अपनी पोजीशन पे, स्टॉप लॉस जरूर लगाएंगे। 85 का इनिशियल टारगेट अभी तो कॉस्ट प्राइस का ही रखिए, 100 का, लेकिन वो इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस है। विपुल जी ने एकदम सही चीज बोली है कि एक बार 101, ये क्योंकि बड़े बड़े लेवल्स हैं जहां पे आके घूम रहा है, वो तोड़ दिया तो फिर और मजबूती आएगी और वो जो स्टॉक में फिर जो फर्दर तेजी को ड्राइव करेगी, मेरे हिसाब से आराम से फिर हमें स्टॉक 112 तक जाता हुआ नजर आएगा, यानी कि 110 112 तक। तो बने रहना है और दिक्कत लगती नहीं है क्योंकि चार्ट कोशिश कर रहा है तेजी दिखाने की। होल्ड करिए 85 का स्टॉप लॉस, और 101 का स्तर पार हुआ तो 112 113 के नेक्स्ट टारगेट्स रखे जा सकते हैं।